खबर सिंगरौली से है, जहां खनिज प्रतिष्ठान निधि से करोड़ों रुपए का बजट आवंटित कर नई रोड का निर्माण करा रही है, लेकिन अधिकारियों और ठेकेदारों ने शासन की मंशा पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुख्यालय से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर चरगोड़ा पंचायत मुख्य मार्ग से धूमडाड़ पहुंचने वाले मार्ग के बीच 50 लाख की लागत से GSB रोड का निर्माण RAC विभाग के द्वारा कराया गया, लेकिन 2 माह में रोड उखड़ने लगी। रोड निर्माण हेड ब्रोकन गिट्टी का इस्तेमाल करके किया गया था। ठेकेदार द्वारा रोड पर 2 इंच की गिट्टी बिछा दी गई है। वहीं GSB रोड का मटेरियल निर्धारित साइज का न इस्तेमाल करते हुए स्टोन डस्ट का उपयोग कर सड़क का निर्माण करा दिया गया। इस रोड निर्माण में लाखों का गोलमाल हुआ। चरगोड़ा पंचायत ने मेन रोड से धुमाडाड़ के बीच बने हुए इस रोड में 50 लाख की लागत से GSB रोड अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। रोड बने 2 माह ही हुए, लेकिन सड़क उखड़ने लगी है। अब अधिकारी पूरे मामले में पर्दा डालने के लिए काम पूरा नहीं होने का हवाला दे रहे हैं और बात बनाने की बात कर रहे हैं। बह गई है, रेड कट हो गए, रेड कट बन जाएंगे, वो तो मरम्मत होती रहती है रोडों की। सभी रोड पे मिट्टी बहती है, पटरी की बहती है। उसमें सर बताया आपको 43 की गिट्टी लग रही है। हमारे पास विजुअल है सर, उसमें मात्र डस्ट और 6 mm की ही गिट्टी डाली है। ऐसा कुछ नहीं है उसमें, उसमें जो है GSB डालना है, GSB डली है मुरुम, और वो जो है आपका सरफेस कोर्स में जो है वो 63 डस्ट डलती है, 6 mm वाली, 5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर वो पड़ी। अब तो नहीं डलना है ना उसमें, उसमें गिट्टी है ही नहीं, WBM किए ही नहीं अपन ने, अपन को WBM करना ही नहीं है, GSB रोड है, कुछ नहीं है। रोलर रोलिंग पूरी कंपैक्ट 100% होने पे भी बरसात में बह सकती है, जब पानी पटरी से तो बहेगा ही, कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, और जब मिट्टी पे पानी बहेगा तो स्वाभाविक उसको काटेगा, कोई सीमेंट तो है नहीं, और कटने के बाद फिर बनता भी है, बनाया जाएगा, रिपेयर होगा उसको, जब CC जारी करेंगे तो उसको रिपेयर करेंगे। रोड में सर धूल उठने कब तक उसको?